आज हम लोग पश्चिम चंपारण जिले की मझौलिया प्रखंड के अंतर्गत कृष्णा ग्राम संगठन लाल सरैया में आए हुए हैं। इस गांव में महिलाएं ग्राम संगठन में उप समिति बनाकर कार्य का बंटवारा करके गांव की उन्नति में काम कर रहे हैं। तो आइए हम सब उप समिति के बारे में जानें। प्रणाम कल्पना दीदी। प्रणाम सविता दीदी। तो कही अपना हाल चाल। सब ठीक बा। अच्छा तो कौन कार चलता भी? सुननी है दीदी, ग्राम संगठन में उप समिति भी बनल बाटे। हाँ दीदी ठीक सुननी, बनल बाटे। काहे ला उप समिति बनैले बानी दीदी? दीदी ग्राम संगठन में ढेर कार होला, काम के बंटवारा करे खातिर हम उप समिति बनैले बानी। उप समिति के बारे में हम जाने के चाहते हैं दीदी। चली दीदी हम उप समिति से मिलाओ तनी। ठीक बा दीदी चली। देखी दीदी यह ग्राम संगठन के उप समिति बा। सब दीदी के प्रणाम। आई आई कल्पना दीदी बैठी। उप समिति के बारे में जाने खातिर सविता दीदी आयल बानी। हमनी तीनों दीदी सामाजिक ऑडिट उप समिति के सदस्य बानी। हमनी तीनों दीदी तीन समूह के सदस्य बानी। ओ तीनों दीदी तीन अलग अलग समूह के बानी। दीदी रुआ लाइन के ग्राम संगठन में कौन काम बाटे? समूह के दीदी CIF ऋण लेवेला। ऋण ले के वो अपन काम कैला कि ना ओकर जाँच लेवेनी। जानता नहीं सविता दीदी ई लोग जो गाय खरीदे ला पैसा ले ले बा, गाय खरीद ल कि ना इहे लोग ई लोग जांच करता नी। जौन दीदी जौन काम खातिर पैसा ले ले बा उ 15 दिन में कैलक कि ना ओकरे जांच करेला हमनी के समूह के मीटिंग में हमनी जानी, ओकरे बारे में हम चर्चा करी ले। तू दीदी 30 दिन में काम ना कैलक तो ओ लाख जाने के पड़ेला, ओकर कारण जानल जाला, ओ मामला के ग्राम संगठन में ले जाइल जाला। हाँ दीदी ई मामला ग्राम संगठन तक जाला। हाँ दीदी बतावल कारण ठोस ना मिलल ओ समूह के दोषी ठहरावल जाला। हाँ दीदी अगला बार से उस समूह के सब दीदी के CIF ऋण ना मिली। तासी दीदी CIF से ऋण ले ले रहे ओकरो जांच उप समिति के सदस्य लोग कोइलस। तासी दीदी घरे बानी। दीदी आवता नहीं रुके। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। समिति के दीदी लो हमरा देबा कैसे आ गई? ग्राम संगठन से पैसा लेनी तो गाय खरीदनी। हाँ दीदी चली ना गाय खरीद ले बानी देखावा तानी। देखी दीदी गैया ये हो। देखी दीदी 15,000 रुपया ग्राम संगठन से लेनी और 5,000 और मिला के 20,000 में गाय खरीदने मानी। बहुत अच्छा दीदी, किस के स्तर से लौटाइबो करें? ठीक है दीदी समय से लौटा दें। आईजी दीदी जन CIF से ऋण ले ले रहे ओकरो जांच उप समिति के सदस्य लोग कोइलस। लाइची दीदी रो घर बानी। हाँ दीदी बानी। आई ना दीदी घर खुले बा। हाँ दीदी आवत है नी। उप समिति के दीदी कैसे हमरा घर चलैनी लनी? दीदी हमने जाने खातिर आईनी है सब बकरिया खरीदे खातिर पैसा लेनी खरीदनी कि ना खरीदनी? जे दीदी हम तो लड़का बीमार पड़ गए तो बकरी ना खरीद पैनी। हम 15 दिन के अंदर में हम दीदी खरीद लेम बकरी। 15 दिन के बाद हमनी के फेन हम सब दीदी ना किनेम तो भीओ में एकर चर्चा होई। हम 15 दिन के भीतर में हम खरीद लेम दीदी। हाँ दीदी हम सामाजिक ऑडिट उप समिति के काम के बारे में अच्छा से जान गईनी। हाँ सविता दीदी अब आई हम ऋण अपसी उप समिति के सदस्य से मिलावतनी। ह
हाँ दीदी, ये है ऋण वापसी उप समिति। हाँ हाँ दीदी, हमनिये के ऋण वापसी उप समिति के सदस्य बानी। हाँ दीदी, ग्राम संगठन में ये लोग कौन काम बा? जौन दीदी कर्जा ले ले बा वापस ना करे ला, ओकरा के हमने के समझावे नहीं सर जे जौन दीदी पैसा वापस ना करी तो दूसरा दीदी के कैसे काम हुई। सुनी दीदी, हमने के समूह के बैठक में जानी सन तो छोटा लोन के बारे में बोल के समझावता नहीं। एक बार लक्ष्मी समूह में ऐसा भोई रहे दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। आय दीदी बैठी। रवल लक्ष्मी समूह कहे लोन दीदी। हाँ दीदी। कौन कौन में दीदी समूह में कर्जा ले ले बनी लोग? हाँ, नगिया दीदी से ही में से ले ले रहनी। वो दीदी समय से ऋण वापस करो था? सब तो दीदी वापस कर दिले बा, एगो दीदी नहीं कैले। 5,000 रुपया अभी नौकरा लगे बाकी बा। कौन दीदी है वो? प्रमिला दीदी अभी नहीं दिले। सब दीदी पैसा जमा ना करी तो दूसरा दीदी के कैसे पैसा मिली और समूह टूट जाई? ना दीदी, हमरा कुछ मजबूरी रहे, अगला महीना ले पैसा लौटा देम हम। अगला महीना तो ना होई तो भी वो में चर्चा हो। हाँ दीदी, हम ऋण वापसी उप समिति काम के बारे में जान गई। आई सविता दीदी, अब हम रउआ के बैंक संपर्क उप समिति से मिलावतनी। इस समिति के बैंक लिंकेज उप समिति के नाम से भी जानल जाला। अच्छा दीदी, बैंक संपर्क उप समिति के काम का होला उकरा बारे में थोड़ा बताई। अच्छा दीदी, हमनी के काम के बारे में रउआ जानने चाहतनी। सुनी दीदी, हमनी के काम बा बैंक से समूह में ऋण दिलवाल। हमनी के समूह के बारे में पूरी जानकारी के इकट्ठा करल जाला, ओकरा बाद हमनी बैंक मैनेजर से मिलेनी। हमनी के मिल के बैंक मैनेजर से समूह के बारे में अपना काम काज के बारे में बतावेनी। अच्छा दीदी, रउआ लगी के मीटिंग में बैंक मैनेजर साहब भी आवेनी। फिर दीदी, हमनी के समूह के एमपी के आधार पर ऋण आवेदन पत्र भर के हमनी के बैंक में जमा करेनी। इतना ही ना दीदी, हमनी ऋण दिलवा के बैंक के आपस भी करवावेनी सर। देखी दीदी, बैंक संपर्क उप समिति के काम ऋण दिलावल काम भी नहीं, ओकरा के आपस करावल भी काम बा। तब तो दीदी रउआ लोगन के बड़ा जिम्मेवारी वाला काम बाटे। देखी दीदी, अब हम रउआ के सामाजिक कार्य उप समिति से मिलावतनी। ठीक है दीदी। देखी दीदी, हमनी के ग्राम संगठन के माध्यम से आर्थिक कामना बल्कि हमनी के सामाजिक काम करी निशा। देखी दीदी, हमनी के महिला और बच्चा के स्वास्थ्य पर ध्यान देवे के हमनी के नियमो बनाइले सर। एमे समूह मदद करेला। जो समूह के दीदी के बच्चा स्कूल ना जाला ओकरा के समझा के स्कूलो भेजल जाला। अच्छा दीदी, ग्राम संगठन के माध्यम से रउआ लगी शिक्षा पर भी ध्यान देवेनी। हमनी के गाँव के सामाजिक मुद्दा की पहचान करेली सर, जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी आदि। सभी समूह के दीदी लोग के दस्तखत करे के सिखावे निशा। हमनी के सामाजिक मुद्दा पर जागरूकता लाइले सर और साधन कर्मी टीम बनाइले सर हमनी के। हाँ दीदी, सामाजिक कार्य करे में बहुत ध्यान रखे के पड़ी। हाँ दीदी, सामाजिक कार्य तो बड़ा ही महत्वपूर्ण काम बा। नगिया दीदी के बेटी के शादी कम उम्र में होत रहे, जे में उप समिति के सदस्य लोग जाके समझौलस। प्रणाम दीदी। बड़ी माजमा लगल बानी लगन दीदी। नगिया दीदी के बेटी के बियाह बा, वही से हमनी के बैठल बानी सर, यही ला थोड़ा सा बात करतनी। नगिया दीदी के बेटी के बियाह बा दीदी? नगिया दीदी के बेटी तो बहुत छोट है दीदी। नगिया दीदी के समय ठीक ना चलता, यही से 14 साल में शादी करके निफर जाए चाहता। 14 साल में? हाँ दीदी, अपना मुड़ी पर के बोझा हटाए चाहता नहीं। इतना दीदी बड़ा कमे उम्र में शादी करता नहीं रहुआ, आज के जमाने में भी लड़की के बोझ समझता नहीं। आज तो लड़की लड़का के कंधा मिला के चलता, 18 साल से कम उम्र में शादी आजकल ना करे के चाहिए। हमनी के सामाजिक कार्य उप समिति के सदस्य, इस हमनी के विचार करके ए पर हमनी के सुधार करी ले जाए।
चली दीदी, अब हम रउआ के खरीदारी उप समिति से मिलावतनी। देखी दीदी, इहे खरीदारी उप समिति हवे, एकरा के क्रय विक्रय उप समिति भी कहल जाला। दीदी, रउआ लंग के कौन काम बा? ग्राम संगठन में जौन खरीदारी बिक्री के नियम बा, ओकर हमनी पालन करेनी सन। जात पड़ताल करके सामान कीनी ले हमनी, कैसे बाटे के बा ओकरो जानी ले सन। ओकर पूर्जियो हमनी के संभाल के राखी ले सन। जौन खरीद करे खातिर पैसा इकलेला, ओकर उपयंत प्रमाण पत्र बनावनी सन। अच्छा दीदी, रउआ कहे के मतलब ई बा जे खरीद बिक्री से जौन पैसा निकलेला ओकरो उपयोगिता प्रमाण पत्र बनेला। हाँ दीदी, इहे बात बा। एकरा अलावा भी क्रय विक्रय उप समिति और भी बहुत सारा काम करेला, जैसे CIF के मूल्यांकन करे में ग्राम संगठन के मदद भी करेला। तब तो ग्राम संगठन में खरीदारी उप समिति के महत्वपूर्ण भूमिका बा। हाँ, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बा। अब हम समझ गए नी कि उप समिति में बहुत फायदा बाटे। हमनी के ग्राम संगठन में उप समिति कब बनी, हमू चलता नी जीविका के भैया से पता करे। दीदी, रउआ लगी हमरा के बहुत अच्छा जानकारी देनी लगी, एकरा खातिर सब केहू के धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। कही दीदी, आबे के का मकसद बा? उप समिति के काम के बारे में हम जान गए नी, ई उप समिति कब बनी। चलिए दीदी, हम अपने के बतावा तनी कि ग्राम संगठन में उप समिति कब बनेला। ठीक है, उप समिति तब बनी जब ग्राम संगठन के 3 बैठक पूरा हो जाए, यानी 3 तक 3 बैठक होई। दूसरा, ओमे 80% सब समूह के उपस्थिति होए के चाही। आ समूह के जे नियम ग्राम संगठन बनेले बा, सब समूह ओकर पालन भी करे के चाही। चौथा, ग्राम संगठन में जुड़ल सब समूह के ग्राम संगठन के भूमिका के पता होके के चाहिए दीदी, तभी जाके हम सब ग्राम संगठन में उप समिति बनाएं। अच्छा भैया, रउआ कहे के मतलब ई बा, ग्राम संगठन के 3 मीटिंग हो जाए और सब लोग ग्राम संगठन के बारे में जान जाए, तब उप समिति बनी भैया। हाँ दीदी, अपने बिल्कुल ठीक समझ ली, तब जाके ग्राम संगठन में उप समिति बनी। बताए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले